तो शुरू करते हैं आज का न्यूज। चलिए, इसको अच्छे से डिटेल्स में दिया हुआ है, ये आपका एक्सप्लेनर सीरीज में है। क्या दिया हुआ है? एनालाइजिंग चाइनाज टाइज विथ अफ्रीका। तो हाल ही में क्या है कि ये हैं फॉरेन मिनिस्टर, किनके हैं? चाइना के। तो ये जो है विजिट किए हैं कुछ अफ्रीकन कंट्री को। तो अफ्रीकन कंट्री को इन्होंने विजिट किया है, कहाँ कहाँ? तो इजिप्ट और टूनिसिया, टोगो और कौन है, इवोरी कोस्ट। ये चार कंट्री को इन्होंने क्या किया, विजिट किया है। क्यों विजिट किया है? ताकि जो इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन है इस कॉन्टिनेंट पर, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, उसको इनहेंस कर सके। इसलिए जो है ये 5 दिन के यात्रा पे थे, 13 जनवरी से लेकर 18 जनवरी के बीच। ठीक है ना, अब देखते हैं। इकोनॉमिक सर, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी इजिप्ट के लिए, इजिप्ट का ही बोला जा रहा है ना, इनकी हाँ, सिक्योरिटी को करे। इजिप्ट और तुनिसिया, टोगो और इवोरी कोस्ट में जो गया है, तो उनके साथ जो है इस तरह का कॉपरेशन करने के लिए गया। ठीक है, अब कहता है व्हाट वॉज द विजिट अबाउट, कि इस विजिट का क्या पर्पस था, इसको भी समझते हैं। तो क्या है, वांगी विजिट टू अफ्रीका हैड मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। तो वांगी जो है ना फॉरेन मिनिस्टर, तो ये जो घूमने गए, इनके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं। द मेजर एजेंडा, मेजर एजेंडा क्या है? टू इम्प्लीमेंट द आउटकम्स ऑफ चाइना अफ्रीका लीडर डायलॉग हेल्ड इन अगस्त 2023 जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग जगह है साउथ अफ्रीका में। तो वहां पे 2023 में क्या हुई थी, मीटिंग हुई थी चाइना और अफ्रीकन कंट्री का। तो उसी का रिजल्टेंट जो अभी हो रहा है, तो उसमें जो रिजल्टेंट आया उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसी का इम्प्लीमेंटेशन है, ये लागू किया गया सारी चीज को। तो इसमें क्या क्या बात कही गई थी, अफ्रीका के इंडस्ट्री को सपोर्ट करना, उसके एग्रीकल्चर को मॉडर्न करना अफ्रीका के, उसके बाद जो वहां पे डेवलपमेंट है उनमें भी सपोर्ट करना। मतलब चाइना सपोर्ट करेगा कहाँ पे, अफ्रीका में। अगर इजिप्ट की बात करिए तो देखिए, कहता है कि इजिप्ट जो है ना, गाजा जो है, गाजा हमास का नाम सुनेगा, जहां पे अभी लड़ाई चल रही है इजराइल के साथ, तो इसका बॉर्डर टच करता है इजिप्ट से। तो चाइना क्या सोच रहा है कि हम एक जो है इंटरनेशनल हीरो की तरह वहां काम करें, मतलब कि हम क्या करें गाजा में शांति ला दें, कहने कहने मतलब कि लड़ाई को बंद कर दें। ठीक ना, मतलब ये अपना रोल दिखाना चाह रहा, डोमिनेंस दिखाना चाह रहा। तो इन्होंने क्या किया, जो लीग ऑफ अरब स्टेट्स है उसके सेक्रेटरी जनरल है तुनिसिया, सॉरी मतलब अरब स्टेट के सेक्रेटरी जनरल और तुनिसिया जो कंट्री है वहां से, तो दोनों के सेक्रेटरी जनरल से मिले और इन्होंने बोला कि शांति से हम लोग को क्या करना चाहिए, गाजा में सीज फायर करना चाहिए, मतलब युद्ध विराम कर देना चाहिए। अब देखिए, तो चाइना क्या कर रहा, अफ्रीका अफ्रीका को सपोर्ट कर रहा है। क्या चाइना को भी फायदा है फायदा। देखिए पहला फायदा, देखिए अफ्रीका सप्लाइज 90% ऑफ द वर्ल्ड कोबाल्ट और प्लेटिनम, ठीक है ना, और 75% कोल्तान। तो ये सब कहाँ पे है, अफ्रीका में है। तो देखिए वर्ल्ड का पूरा जो है 90% कोबाल्ट अकेले रिलीज करता है, कौन, अफ्रीका। अफ्रीका हाँ मतलब क्या कहते हैं, कोबाल्ट और प्लेटिनम दोनों। और ये सब क्या है, ये सारे जो मटेरियल है जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है उसमें यूज किए जाते हैं, समझ गए, जो सर, कोल्टा ये 75% हाँ कोल्टा क्या है वो? ये भी एक तरह का मिनरल्स है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सब यूज होता है, समझ गए। तो इतना है कहाँ पे, अफ्रीका में। इसलिए चाइना चाइना जो अफ्रीका को सपोर्ट करता है कि वहां से सारा रिसोर्स ले सके। तो चाइना हैज द लार्जेस्ट रिफाइनरीज इन अफ्रीका। तो चाइना क्या किया, वहां पे अपना बहुत बड़ा रिफाइनरी सेट किया हुआ है, किस चीज के लिए, तो रेयर अर्थ और मिनरल को रिफाइन करने के लिए, ठीक है, जो कि क्या करता है वहां पे टेक इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, किसके, चाइना के लिए। और इसी के वजह से, क्योंकि इस माइनिंग सेक्टर में किसका डोमिनेंस है, चाइना का, क्योंकि इसको रॉ मटेरियल ज्यादा कहाँ से मिल रहा है जी,
अपने कंट्री में तो है ही, चाइना से भी ले रहा, सॉरी चाइना में तो है ही, अफ्रीका कंट्री से भी ये ले रहा है ये सारा मटेरियल। इसी इसी के चलते जो है क्या कहते हैं, वो जो है यूएस जो है अमेरिका डिपेंडेंसी है किस पे, चाइना पे। दूसरा क्या बेनिफिट है इसका, तो जियो पोलिटिकल है। क्या चीज करने मतलब कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है, ठीक ना, यूनाइटेड नेशन का अमेरिका का, तो अफ्रीका उसमें सबसे बड़ा ब्लॉक है। और ये अफ्रीका अगर चाहे तो साउथ चाइना सी का जो मुद्दा है उस विवाद को भी उठा सकता है, मतलब चाइना के सपोर्ट में करेगा कि ये चाइना का ही जगह है, ठीक ना, क्योंकि चाइना का जो पॉलिसी है वन चाइना पॉलिसी, ठीक ना, कि ताइवान हो हांगकांग हो तो सबको एक में मिला दिया जाए, तो इस चीज को सपोर्ट करता है कौन, अफ्रीका। सर, ये वाला एक बार वापस बताइए, मैं नहीं समझा सेकंड रीजन। सेकेंड रीजन है कि जैसे साउथ चाइना सी वाला मुद्दा है, अब चाइना सोचता है कि ये हमारा जगह है साउथ चाइना सी, समझ गए, तो ये चीजें हुआ, ताइवान हुआ, हांगकांग हुआ, तो चाइना क्या सोचता है कि ये हमारा ही पार्ट है, तो इस मुद्दे को क्या करेगा, यूनाइटेड नेशन जो असेंबली है वहां पे इस मुद्दा का उठा के चाइना का सपोर्ट कर देगा, तो चाइना का वो जगह हो जाएगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है वहां पे क्या है सबसे ज्यादा बड़ा ब्लॉक अफ्रीका का है, तो अगर ये सपोर्ट करेगा तो चाइना को वो जगह हो जाएगा, समझ गया। चलिए तीसरा क्या है, देखिए स्ट्रेंथनिंग द युआन, युआन क्या है, करेंसी है चाइना का, या आरबीएम आरएमबी भी बोलते हैं, तो चाइना जो है इसी के थ्रू क्या करेगा, अफ्रीका के थ्रू अपने करेंसी को क्या करेगा, इनकरेज करेगा, बढ़ाएगा, और ये क्या करता है आरएमबी, ये जो युआन है ये क्या करेगा, पांडा बॉर्डर्स रिलीज करता है, पांडा बॉन्ड्स, पांडा बॉन्ड्स मतलब कि जैसे उसके द्वारा क्या होता है, बाय विच फॉरेन गवर्नमेंट्स कैन इशू फंड्स फ्रॉम चाइना एट लोअर इंटरेस्ट रेट, तो मतलब चाइना जो है उसको क्या करेगा, लोन देगा अफ्रीका को और बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे, तो उसके लिए बॉन्ड जारी करता है चाइना, क्या नाम है, पांडा बॉन्ड्स। चौथा देखिए कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज है इनको क्या है, तो अफ्रीका जो है बहुत सारा इम्पोर्ट प्रोडक्ट्स करता है, प्रोडक्ट इम्पोर्ट करता है कहाँ से, चाइना से, तो अफ्रीकन मार्केट्स फॉर चाइनीज एक्सपोर्टर्स आर बेनिफिशियल फॉर चाइनीज इकोनॉमी, तो चाइनीज अब मान चलिए वो एक्सपोर्ट करता है कौन, चाइना, किसको, साउथ अफ्रीका को, तो जो चाइना का इकोनॉमी है उसके लिए बेनिफिट है ये चीजें। फिर उसके बाद अफ्रीका का जो यंग पॉपुलेशन है और जो वहां पे सस्ते लेबर है वो जो है किसको सपोर्ट करता है, चाइना के एक्सपोर्ट को सपोर्ट करता है, अपने कंट्री में करता है या साथ में पूरे वर्ल्ड में सपोर्ट करता है अफ्रीका के लोग, तो ये सब क्या है उनके बेनिफिट्स हैं। तो इस विजिट का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ अफ्रीका रिसीव्स इन्वेस्टमेंट ट्रेड एंड डेवलपमेंट एड फ्रॉम चाइना, तो अफ्रीका जो है क्या क्या चाइना से मिलेगा, इन्वेस्टमेंट होगा, ट्रेड होगा, डेवलपमेंट होगा अफ्रीका का, इस चीज में सहयोग करेंगे कौन, चाइना, और अच्छा, चाइना बदले में क्या लेगा, नेचुरल रिसोर्स जो है अफ्रीका का वो यूज करेगा, समझे। फिर तो चाइना क्या करेगा, तो जो मेन है अफ्रीका का क्या है कि अफ्रीका में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे बन गए, इंडस्ट्री पार्क्स अच्छे बन गए, तो क्या होगा, जो भी प्रोडक्ट वहां बनेगा तो वहां लिखाएगा मेड इन अफ्रीका, ये है उसका मोटिव अफ्रीका वालों का, ठीक ना, और साथ में चाइना इसको और क्या सपोर्ट करेगा, तो एडवांसिंग हाइब्रिड क्रॉप्स, तो एडवांस लेवल में हाइब्रिड क्रॉप्स मतलब क्रॉप्स एग्रीकल्चर में हेल्प करेगा, जिससे क्या होगा अफ्रीका का एग्रीकल्चर बढ़ेगा। चलिए आगे न्यूज देखिए, व्हाट इज इंड टू इंडक्रिप्शन एंड हाउ डज इट सिक्योर इंफॉर्मेशन, आप लोग यूज व्हाट्सएप यूज करते हो, यस सर, तो आप उसमें मैसेज देखना लिखा रहेगा इंड टू इंडक्रिप्टेड मैसेज, दिखाई देता है कभी, हाँ सर, क्या है उसको समझते हैं, पहले आप ये फिगर देखिए दिख रहा है, हाँ सर, इसको बोलते हैं इनक्रिप्शन, क्या है देखिए दिखा, जैसे आपने लिखा हेलो, जैसे मान लो मुझे लिखा हेलो, हेलो लिखा, अब इसको ये हो जाता है इनक्रिप्ट मतलब लॉक लग गया, अब ये जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे है सर्वर, जैसे व्हाट्सएप आप मैसेज करते हैं तो मैसेज जैसे मुझे किया तो डायरेक्ट मुझे नहीं आएगा मैसेज, कहाँ जाएगा पहले वो सर्वर में जाएगा, और सर्वर में जाएगा तो सर्वर में हेलो नहीं दिखाई देगा, क्या चीज दिखाई देगा जी,
इस तरह का कोडिंग किया रहेगा उसके बदले, क्या रहेगा, कोडिंग किया, और जब सर्वर से गया हमारे पास मैसेज आया, तो हमारे पास जब मैसेज आया तो वो मैसेज इसी तरह का रहेगा। तो उसमें क्या होगा, जब की लगेगा, क्या लगेगा, की, तो जब की लगेगा तो वो इनक्रिप्टेड मैसेज हो जाएगा, डिक्रिप्ट, मतलब वो लॉक टूट जाएगा, फिर हमको दिखाई देगा हेलो। तो ये जो लॉक होता है, इसको बोल, दो तरह के लॉक होते हैं, एक होता है पब्लिक की, एक होता है प्राइवेट की। पब्लिक की मतलब कि जो सारे लोग देख सकते हैं, प्राइवेट की अगर हम लगा दिए, तो प्राइवेट की जब लगाओगे तो क्या होगा, मुझे लगाओगे वो तो उस मैसेज को मैं ही देख सकता हूँ और कोई नहीं। बोलिए, नहीं सर, वो क्या किया? ठीक है ना, इतना समझ गया, अब आगे समझे। चलो अब देखो क्या आता है कि इन्फॉर्मेशन, आजकल के समय में जो इन्फॉर्मेशन है क्या है, वही वेल्थ है, ठीक है ना, वही वेल्थ है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इस वेल्थ को जो प्रोटेक्ट किया जाता है वो क्या है, इनक्रिप्शन। समझ गए, मतलब अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है तो आप बहुत धनी है, मतलब कि आप उस डेटा को बेच के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अब समझते हैं कि इंड टू इंड इंक्रिप्शन होता क्या है। तो देखिए, कहता है इन पार्टिकुलर प्रोटेक्ट्स इंफॉर्मेशन इन वे दैट हैज ट्रांसफर्ड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड टेक कंपनीज आउटलुक ऑन देयर एबिलिटी टू एक्सेस इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल्स टू प्रोटेक्ट प्रोसिक्यूट प्रॉफिट फ्रॉम दैट एंगेजमेंट एज की। कहता है कि जिस तरह का भी मामला, इन टू इनक्रिप्शन क्या किया है, जैसे लोगों के राइट्स, ठीक ना, इन्फोर्समेंट एजेंसीज या बहुत सारे टेक कंपनीज, उनका जो नजरिया है उनको क्या किया है, बदल दिया है, कौन, इन टू इंड इनक्रिप्शन, मतलब कि बहुत सिक्योर कर दिया है लोगों को कि आपके इंफॉर्मेशन जो भी आप भेजते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन, पहले किसी को भेजो तो बीच में कोई देख लेता था, जब से ये आया, तीन साइंटिस्ट हैं, RSA, इन्होंने ही ये चीज के शुरुआत की थी, इन्होंने ही बना, तो इन्होंने क्या किया, लोगों में बदलाव लाया, मतलब लोगों के बहुत चीज को सिक्योर किया इंफॉर्मेशन का। अब इसको डिटेल्स में समझते हैं, पहले समझते हैं इंक्रिप्शन क्या होता है। तो फंडामेंटली इंक्रिप्शन इज द एक्ट ऑफ चेंजिंग सम कंज्यूमर इंफॉर्मेशन इनटू इनकंज्यूमेबल कंज्यूमेबल फॉर्म बेस्ड ऑन सम रूल्स। तो कुछ रूल्स के आधार पे हम क्या करते हैं, जो कंज्यूमर इंफॉर्मेशन है, कंज्यूमेबल इंफॉर्मेशन, उसको हम इनकंज्यूम में बदल देते हैं। यही कहने मतलब, जो हेलो है उसको क्या चीज में दिखा रहे हैं, ये चीज, तो इनकंज्यूम, इसको पढ़ पाओगे क्या लिखा है, नहीं नहीं पढ़ पाओगे। तो कंज्यूमर कंज्यूमेबल इंफॉर्मेशन को क्या, किस चीज में बदल दिया, कंज्यूम इनकंज्यूमेबल में, इसको कहते हैं इनक्रिप्शन। ये जो किया जाता है उस पर क्या है, बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे कुछ रूल्स हैं तो बहुत सारे, लेकिन हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। एक देखते हैं डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, DES, और कुछ इसके साथ सेटिंग्स भी हैं। तो इस रूल्स को देखते हैं क्या कहता है, जैसे मान लो आपने लिखा क्या, आइसक्रीम, ठीक ना, आइसक्रीम लिखा, तो ये जो इनक्रिप्टेड होके किस चीज में बदल जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, इस चीज में, अब पता चलेगा ये आइसक्रीम लिखा है। नहीं सर, अब इसका की क्या है, मतलब इसको डिक्रिप्ट करने के लिए, तो इसका की है काइट, समझ गए। तो ये कंपनी अपना इनक्रिप्टेड रखा है कि अगर इस तरह का कोई चीज लिखाएगा तो उसके लिए ऑटोमेटिक कौन सा की लग जाएगा, काइट, पता चल जाएगा कि आइसक्रीम लिखा है, समझ गए। अगर मान लीजिए, हाँ, जैसे मान लीजिए कि अगर की, कोई की है मोटरसाइकिल, ठीक है, क्या है, कोई की है मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल, तो उसका अगर इनक्रिप्टेड करेंगे तो वो किस चीज में बदल जाएगा, इस तरह, समझ में आई ये चीजें, कैसे इनक्रिप्ट हो रहा है, कैसे लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। की वाला नहीं समझ में आ रहा है, ये जो लिखा ना विद द की काइट, ये थोड़ा नहीं समझ में आ रहा। देखो दो तरह के होते हैं की, एक होता है पब्लिक की, एक होता है प्राइवेट की, समझ गए। अच्छा, की नहीं समझ में आया, यही ना, देखिए की क्या होता है,
जैसे व्हाट्सएप कंपनी है, तो उन्होंने क्या, जैसे आप हेलो लिखेगा ना, तो ये इनक्रिप्टेड होके क्या हो जाएगा, ये लिखाएगा। तो व्हाट्सएप जो कंपनी है, उन्होंने सेट किया है कि इसके बदले, मतलब अगर इस तरह का कोई चीज लिखाया तो ऑटोमेटिक उस पर क्या लगेगा, एक की है जो काई, वो लगेगा। तो वो जब इस पे लग जाएगा तो जो देख रहा है, जो रिसीव कर रहा है, तो उसको क्या हो जाएगा, फिर ये जब इस पे की लगेगा तो क्या होगा, ये लॉक टूट जाएगा। तो लॉक टूट जाएगा तो फिर ये दिखाएगा है, मतलब उसका तोड़, लॉक को तोड़ लो। समझ गए? समझा नहीं समझ में आया? सकता हूँ। तो सर जितनी जितनी भी बातचीत होती है तो सेम जो ये काइट वाली की है वो ही की से ब्रेक होके हमें सारे मैसेजेस दिखते हैं ना ऑन व्हाट्सएप। हाँ, काइट नहीं, मतलब हर तरह के लगा, मतलब की लगता है उसमें, कंपनी प्रोवाइड करता है। समझ गया? आपके मोबाइल में सेट रहता है, कंपनी भी नहीं देख सकता उस मैसेज को। तो ये और इसलिए क्या होता है कि बीच में कोई बिचौलिया आए ना, तो आपका हैक नहीं कर सकता क्या मैसेज बात कर रहा नहीं कर रहा। ठीक है, सर चलिए। अब कहता है की क्या होता है, तो की जो है सम डेटा यूजिंग विच ए कंप्यूटर कैन अनलॉक डिक्रिप्ट सम लॉक। तो की से जो क्या होता है, दोनों चीजें होता है, अनलॉक भी होता है और अनलॉक भी होता है, लॉक भी होता है। ठीक ना? तो ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स कि कैसे लॉक किया जाए। ये तो हुआ इंक्रिप्शन। अब हम समझते हैं इंड इंक्रिप्शन। ये क्या होता है, देखिए आपने कोई चीज लिखा, इंक्रिप्ट हो गया, ये कहाँ पे गया, सर्वर सर्वर में, सर्वर में गया, सर्वर से फिर लॉक यहाँ पे टूट के फिर डिक्रिप्ट हुआ, फिर इनको पता चला, फिर ये मैसेज करेगा, फिर क्या जाएगा, फिर सर्वर में, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। तो इंड टू इंड इंक्रिप्शन हो गया। समझ गया? ओके चलिए, अच्छा ये लगता है शायद मैं एक ही मैसेज को दो बार लिख दिया। व्हाट इज इन टू इंड, ये फिगर का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ना सर। हाँ, तो वही सब चीजें, कुछ इसमें खास नहीं। ठीक है, जो था मैंने इम्पोर्टेंस वो बता दिया। ठीक है यस सर ना? समझ यस। कल